जिसने परंपराओं को सहेजा है, उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है तथा सदैव शिक्षकों के मान को बढ़ाया है। एक बार जोरदार तालियां ऐसे व्यक्तित्व के लिए। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। आदरणीय गायक मंचपर विराजमान हमारे कमिश्नर साहब, आदरणीय तारा सिंह जी, हमारे एडियम मैडम चूड़ा जी, पंकज जी भाई साहब, हमारे युवा समाजसेवी अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह जी, हमारे युवा बोर्ड के सदस्य अजीत जी चौधरी साहब, अध्यक्ष के अध्यक्ष पार्षदगण, हमारे अहित साहब और तमाम मेरे युवा साथी, सबसे पहले तो धन्यवाद मैं मुख्यमंत्री का देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन कराने के लिए बजट घोषणा में युवा महोत्सव का करा और युवा बोर्ड द्वारा ये महोत्सव जो किया जा रहा है। मैं सीताराम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर ने जो मेहनत करी इस प्रोग्राम के लिए, 21,500 रजिस्ट्रेशन करके प्रथम नंबर पर आने पर इन सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए 21,500 रजिस्ट्रेशन लोगों में उदयपुर में प्रथम आया। उसके बाद लगातार ब्लॉक स्तर पर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उन ब्लॉक स्तर पर भी सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और आज जिले स्तर पर कल शुभारंभ हुआ जिसमें 1500 से 1600 बच्चे आए। इन युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने युवाओं की जो कलाकार है उनको दिखाने के लिए आए और लगातार कल सुबह से आज भी शाम तक ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने लगातार सभी कलाओं में भाग लिया है। और मेरी जो जिला स्तर की टीम है उस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 1 तारीख से लगातार आज तक रात को 11 बजे तक काम करके और ये महोत्सव शिक्षा विभाग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने लगातार इसमें मेहनत करी और इस प्रोग्राम को शुभारंभ बहुत अच्छा करा। आज समापन है और युवा साथियों आपने जो भाग लिया है जिनका सिलेक्शन होगा उन सभी को राज्य स्तर भेजा जाएगा और जिन्होंने भाग लिया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। बहुत बहुत धन्यवाद जिला समन्वयक महोदय। इस कार्यक्रम की सफलता को देखकर मेरा मन कहता है प्रेम करना सीखा आपसे, विश्वास की डगर थामे, आगे बढ़ना सीखा आपसे, आत्मीयता की डगर थामे और सफल होना भी हम सीखेंगे आपसे, उस विश्वास को साथ में लेके। पहली बार आयोजित हो रहे इस महोत्सव में आयोजित की गई जो प्रतियोगिताएं हैं इसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय दिलीप जी आर्य साहब, प्रधानाचार्य महोदय आप पधारे और कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस दुनिया में तुम जरा हिम्मत तो करो, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया।